हिरा कब से ज़ेर तालीम है? मेरे यहाँ पे दूसरा साल स्टार्ट है। दूसरा साल स्टार्ट है, तो जब आप पहले आई थी 2 साल पहले और अब दूसरा साल है, तो क्या आपको लगता है क्या डिफरेंस आपने फील किया है? जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मुझे मतलब नर्सिंग के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। जब मैं यहाँ आई, मैंने तालीम हासिल की और अब मेरा मतलब सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ हुआ है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है टीचर्स की तरफ से भी और हम लोगों की तरफ से भी। काफ़ी अच्छा मुझे सीखने को मिल रहा है यहाँ से। हिरा कहाँ से बिलोंग करती है? मैं मानसेहरा से। मानसेहरा से आप जो है मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग आ रही हैं, तो किस तरह की जर्नी रही अब तक? काफ़ी अच्छी रही वैसे तो। मतलब एक ये है कि हम लोग मानसेहरा में भी एक देहात में रहते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल तो मतलब बहुत दूर जाना पड़ता है हमें, काफ़ी दूर 2 घंटे के रास्ते में आता है हमारा मतलब हॉस्पिटल। ये है कि इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा इस कोर्स से, इतना हो जाएगा कि अगर कोई पेशेंट किसी मतलब सीरियस हालत में है तो हम उसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जैसा कि कोर्स है मिडवाइफरी है हमारी, CMW में हम लोग हैं, तो उसमें यह है कि हम लोग पेशेंट को अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। हमें इतने अच्छे तरीके से ये लोग सिखा रहे हैं कि हम लोग किसी तरह के भी मसले में हों, हम अपने पेशेंट को रिकवरी की तरफ ला सकते हैं। हिरा आप इतनी दूर से आई हैं, तो एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी, तो मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग ही क्यों आपने सेलेक्ट किया? आप कोई भी इदारा सेलेक्ट कर सकते थे। देखिए अदारे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। एक तो ये मेरे घर के भी करीब था और दूसरा ये था कि ये मसला था कि मुझे यहाँ की मैंने तारीफ़ भी बहुत ज़्यादा सुनी थी और मेरे फैमिली मेम्बर्स यहाँ जॉब्स कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने मुझे यही कहा कि आप यहाँ जाओ, अगर आपको नहीं पसंद आता तो आप चेंज कर लेना। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इन्होंने मुझे दिया और अभी मेरा दूसरा साल है, इंशाल्लाह ये कोर्स कम्प्लीट होने के बाद आगे न्यू कोर्स के लिए भी मैं यहीं अप्लाई करने वाली हूँ। अच्छा, तालीमी मयार के हिसाब से आप कैसे देखते हैं मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग? तालीमी मयार के लिहाज से काफ़ी अच्छा है हमारा स्कूल, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया जाता है। हम जो चीज़ यहाँ पढ़ते हैं और वही हम आगे जाके डेमो भी दे के आते हैं। जब हम लोग हॉस्पिटल साइड जाते हैं तो हमारा वहाँ डेमो होता है, जो हम पढ़ रहे होते हैं वो हम रिपीट कर रहे होते हैं। जो ये नहीं है कि अगर आपने बुक्स पढ़ी हैं तो आप उसको करोगे नहीं, हमें करके दिखाना होता है। जी बिल्कुल सही। तो हिरा ऐसे इदारे के लिए आप क्या मुर्शिद स्कूल ऑफ नर्सिंग के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, जैसे कि हमारे स्कूल ऑफ नर्सिंग में ये है कि अगर किसी भी बच्ची को या बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, फ़ीस के लिए भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो काफ़ी रिकवरी ये लोग कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास डिफरेंट पैकेजेस हैं। जैसे कि ये लोग स्कॉलरशिप्स दे देते हैं, काफ़ी मतलब गरीब तबके से भी जैसे आते हैं हमारे पास, तो उन लोगों को भी काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स देते हैं। ये नहीं है कि एक इन्होंने लिमिट रखी हुई है इन लोगों को ही एडमिशन देना है, इनके पास आप देखेंगे अच्छे से अच्छे और गरीब से गरीब लोग भी बहुत ज़्यादा हैं इनके पास, काफ़ी अच्छी तालीम है इनकी। तो जैसे आप देहात से आपने कहा आप आई, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है और अब तो बिल्कुल फ़ख्र की बात है कि आप एक लड़की होकर जो है एजुकेशन के लिए आगे आ रही हैं, तो आप ऐसी लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी, जैसे कि लड़कियों को बहुत शौक़ होता है कि हम लोग नर्सिंग फील्ड में आएँ, डॉक्टरी फील्ड में आएँ, पर वो कुछ घर के इश्यूज़ होते हैं, कोई बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। मेन वजह तो यही है कि हम लोग खुद अपनी लड़कियों को कहते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। पर यहाँ आके अब जैसा कि आपने देखा है हमारे पास बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं, पर एक लिमिट तक है सब, ठीक है। कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स के लिहाज से चला जाता है यहाँ पर, और अगर रूल से बाहर कोई होता है तो उस पर भी एक्शन लिया जाता है। इसलिए मैं चाहूँगी कि जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं वो इधर आएं और इंशाल्लाह उनको अच्छा रिस्पांस मिलेगा यहाँ का।